हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुजिया बना रही हूँ जो बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में लोग तीज के त्यौहार में बनाते हैं। वैसे आप होली के त्यौहार में ज़रूर खाते होंगे। मेरी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में इजी रहेगी। आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं गुजिया का डो तैयार करती हूँ। मैंने इसमें 300 ग्राम मैदा लिया है और हाफ कप घी है, 125 ग्राम। धीरे धीरे मैं देती हूँ और घी दे रही हूँ। काफी अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी ली हूँ, बस थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरा मैदा भी बहुत अच्छा से गूंथ गया है और मैं इसे रेस्ट करने के लिए हाफ आवर के लिए छोड़ देती हूँ। बस इसे ढककर, उधर मेरा मैदा रेस्ट हो रहा है और मैं अब एक फ्राई पैन चढ़ाई हूँ, उसमें मुझे सूजी को भूनना है। बस इसमें सूजी डाल रही हूँ, 50 ग्राम सूजी है। सूजी को भूनने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रहेगा। सूजी मेरा गोल्डन हो गया है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। पैन मेरा गर्म है, इसमें मैं हाफ कप से कुछ कम है कोकोनट का पाउडर है, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल मिलता है। बस इसे ये मुझे थोड़ा भून लेना है। ये भी भुन गया है, मैं पैन चढ़ा दी हूँ। घी का बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ। अब मैं खोआ डाल दे रही हूँ। खोआ थोड़ा मसल दीजिए, मुझे थोड़ा देर के लिए भून लेना है। खोआ भी मेरा भून गया है, ये देखिए। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। अभी ये गर्म ही है इसलिए इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन उसे भून कर फिर टुकड़ा कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ इलायची पाउडर डाल रही हूँ, उसे मैंने पाउडर बना लिया था। चीनी मेरा पिसा हुआ है। साथ ही मैंने ये कोकोनट सूजी पाउडर सारा को मैं डाल दे रही हूँ। इसे भी मिला लीजिए। बस ये मिल गया है, अब इसे ठंडा होने देती हूँ। आधा घंटा हो गया है, फिर इसे मैं बहुत अच्छे से मसल लेती हूँ। उसके बाद इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लूँगी। इस तरीके से गोल गोल पेड़ा बनाकर अब सारे को रख लीजिए। मेरा रेडी हो गया है। अब मैं एक पेड़े को ले रही हूँ, बस इस तरीके से पूड़ी के जैसा मुझे बेलना है, ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा हो रखना है। बस ये गुजिया का सांचा है, इसको मैं इस तरीके से डाल दूँगी। स्टफिंग ठंडा हो गया है, देखिए। पानी से आप इस तरीके से बस इसको ऐसे पलट दीजिए, बस जो बचा है उसे निकाल देना है। ये देखिए मेरा तैयार है। इस तरीके से आप सारा को बना लीजिए। ये दूसरा मैं पूड़ी के जैसा बना ली हूँ। फिर अब मैं बिना सांचा का इसे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैं स्टफिंग डाल दी हूँ। यह दबा देना है। अब थोड़ा सा पानी लीजिए, यहाँ से इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए। आपको टाइम लगेगा, सांचे में बहुत तेजी से बन जाता है। लास्ट वाले को इसमें इस तरीके से दबा दीजिए। ये देखिए,
मेरा सारा गुजिया रेडी है। अब मैं इसे डीप फ्राई करती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल मेरा गरम हो गया है, गुजिया डाल रही हूँ। धीरे धीरे अब गुजिया को डाल दीजिए। बहुत सारा गुजिया एक बार डाल दे रही हूँ। अब गैस का फ्लेम मैं मीडियम पर कर दूंगी। इसे पलट दे रही हूँ। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पर होना है। देखिए मेरा गुजिया अब रेडी हो चले हैं। ये बिहार और ईस्टर्न यूपी में ये अभी तीज आ रहा है, भादो के महीना में आता है, तो उसमें ये इस फेस्टिवल में लोग गुजिया को बनाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, मेरा गुजिया बिल्कुल नहीं टूटा है कहीं से नहीं। इसके जो सटे हुए भाग थे वो कहीं नहीं खुले हैं, इसलिए घी भी मेरा गंदा नहीं हुआ है। ये देखिए मेरे खोए की गुजिया रेडी है, काफ़ी अच्छा अभी तो लग रहा है। आप खाइए और इसका मज़ा लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और आप अगर मेरे चैनल के लिए नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे मेरे रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें।